सभी सरकारी विभागों से जुड़ी एक एक मुख्य समस्या को अभियान चलाकर दुरुस्त किया जाए ताकि सीएम हेल्पलाइन से शिकायतें निल हो जाएं। ये निर्देश कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने समीक्षा बैठक में विभाग प्रमुखों को दिए हैं। कलेक्ट्रेट में समय सीमा के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकृत कराएं, साथ ही एक एक ऐसी समस्या फोकस करें जिसे लेकर अधिक शिकायतें हो रही हों, यानी शिकायतों को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें। अभी वर्तमान पोजिशन में पूरा प्रदेश में ना जबलपुर जिला प्रथम स्थान पर भी है, लगातार है ना उसका मोटिवेट करते हुए जनता का है ना समस्या है उसका है ना सही तरीके से निराकरण हो, संतुष्टिपूर्वक निराकरण हो, और 50 दिन के ऊपर है ना कितने भी शिकायतें हैं उसको निराकरण करने के लिए डायरेक्शन दिया है। नगर निगम में हर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेक्टर का भी फोकस करने के लिए कहा, जैसे कि नगर निगम में एक प्रकाश व्यवस्था है उसको ना सबसे ज़्यादा कंप्लाइंस है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला है। कलेक्टर ने उन विभागों के अधिकारियों की तारीफ भी की जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इन विभागों में स्कूल शिक्षा विभाग, बिजली विभाग शामिल रहे। कलेक्टर ने निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट कहा कि निजी अस्पतालों में सुरक्षा संबंधी कमी किसी हालत में बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन अस्पतालों में कमियां पाई गई हैं उन्हें शीघ्र ही दूर कर दिया जाए। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि अस्पतालों को टेम्परेरी फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराना जरूरी है, बिना ऑडिट रिपोर्ट के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। नगर निगम में नई सरकार बनने के साथ ही निर्माण कार्यों में चल रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा। इस मंशा के साथ नगर निगम ठेकेदार संघ के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नो एवं निगम अध्यक्ष रिंकू बिज सहित पार्षदों का सम्मान किया। श्री गार्गी यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री अर्चना सिसोदिया जी। नगर निगम ठेकेदार संघ द्वारा जन प्रतिनिधियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन नगर निगम मुख्यालय में किया गया। इस समारोह में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, निगम अध्यक्ष रिंकू बिज सहित सभी पार्षदों एवं MIC सदस्यों का सम्मान किया गया। ठेकेदारों ने कहा कि शहर विकास के प्रत्येक कार्य में वे सहयोग करेंगे। पिछले 2-3 वर्षों से चला आ रहा गतिरोध अब दूर हो गया है। 3 वर्षों से नगर निगम में कोई नेता नहीं था और हमें काफी दिक्कत परेशानी करना होना हो रहा था। आज खुशी का मौका है कि आज हमारे बीच महापौर जी भी है, अध्यक्ष भी है, पार्षद भी है, MIC भी है, तो आज हम कंधे से कंधे मिला के शहर के लिए काम करते हैं और जो हमने मुसीबत देखी है उस मुसीबत से हमको छुटकारा मिलेगी। ठेकेदार संघ की ओर से सम्मान किया है और हम लोग सभी ठेकेदार ये विश्वास दिलाते हैं सभी को कि हम उच्च गुणवत्ता के साथ जिस प्रकार से काम पहले करते थे उसी प्रकार से हम आगे भी काम करते रहेंगे और एक दूसरे के पूरक बन के प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ठेकेदार एक दूसरे से मिलके सहयोग के रूप में जबलपुर शहर का विकास करेंगे। कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल रहे। नगर पंडित महासभा के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से मांग की है कि संस्कृत महाविद्यालय के रुके पड़े काम को पूरा कराया जाए ताकि अध्ययन अध्यापन का सिलसिला फिर से शुरू हो सके। नगर पंडित महासभा के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना को पत्र सौंपकर मांग की है कि दमोनाका स्थित पंडित लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय का रुका पड़ा कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाए ताकि संस्कृत की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। पुनः कार्य प्रारंभ करने का इन्होंने प्रारंभ करने का हमें आश्वासन दिया और ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ होगा। इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों को और हमारे समस्त विप्र समाज को, सभी लोगों को वो हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। महापौर ने नगर पंडित महासभा को भरोसा दिलाया कि रुका हुआ कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाएगा। हम लोग मिलकर बहुत जल्द ये भवन का काम शुरू कराएंगे और आगे और भी जो व्यवस्थाएं और सुविधाएं, चाहे नगर सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, किसी भी स्तर पर जो व्यवस्थाएं की जाती रही हैं या की जाना चाहिए वो सारी की सारी पूर्ण की जाएंगी। और बहुत हर्ष का विषय है कि बहुत जल्द जबलपुर शहर में महाकौशल का सबसे बड़ा संस्कृत महाविद्यालय शुरू होने जा रहा है और ये हम सब के लिए, जबलपुर शहर के लिए बहुत गौरव का विषय होगा।
दरअसल संस्कृत महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य 8 वर्षों से रुका पड़ा है। 2 करोड़ रुपयों से निर्माण कार्य होना है, लेकिन ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर भाग गया है, जिसके चलते संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े लोग परेशान हैं। संस्कृत की शिक्षा प्रभावित हो रही है। बीटीवी न्यूज में स्टोरी प्रसारित होने के बाद अब जिम्मेदार लोगों का ध्यान इस ओर गया है। देखना बाकी है कि रुका हुआ काम कब तक शुरू हो पाता है। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित जिले के 8 छात्रावासों में 1 सितंबर से कराटे ट्रेनिंग प्रारंभ होगी। इसमें छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक बैठक का आयोजन जिला शिक्षा केंद्र में हुआ। जिला शिक्षा केंद्र में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 1 सितंबर से छात्रावासों में प्रारंभ होने वाले कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों पर विचार विमर्श हुआ। और ये बड़ा उपयोगी है, इसमें जो है बच्चे दक्ष जाते तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो शिक्षा के साथ साथ जो है ये गुण बच्चियों में इनकल्केट होना अति आवश्यक है। प्रशिक्षकों ने बताया कि 3 महीने के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अवकाश के दिनों में ही चलाया जाता है, ताकि छात्राओं का शैक्षणिक नुकसान ना हो। हर साल सर क्या होता था, ये योजना जुलाई से लेके फरवरी तक आती थी, जिसमें ये संडे टू संडे इसमें सिखाया जाता था, लड़कियों को 2 घंटे की ट्रेनिंग रहती थी। इस बार शायद लॉकडाउन के कारण जो भी है, तो इस बार सिर्फ 3 माह का है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसकी मीटिंग आज हो रही है। अब ये प्रशिक्षण है अपने सितंबर अक्टूबर नवंबर चलाया जाएगा, और सिर्फ अवकाश वाले दिन पर ये प्रशिक्षण होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि छात्राओं में आत्मरक्षा के गुणों का विकसित होना बेहद जरूरी है, ये गुण जीवन भर काम आता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्मोत्सव खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर MPSEB के केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर विद्युत विभाग के केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के मशाल परिसर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव राजीव गुप्ता द्वारा स्वर्गीय ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर उन्होंने क्रीड़ा परिषद की खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की भी जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने 15 अगस्त के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नृत्य की शानदार प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया, साथ ही खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में आलोक श्रीवास्तव, देवेंद्र चाढ़ोरकर, AK अलंग सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने खेलों के विकास और उन्हें बढ़ावा देने की शपथ भी ली। बरगी डैम के गेट खुलने के बाद ग्वारी घाट का जलस्तर भी बढ़ गया है, और जिसको देखते हुए होमगार्ड के जवान मोटर बोट से पेट्रोलिंग करके न केवल नाविकों को नौका नहीं चलाने की हिदायत दे रहे हैं, बल्कि श्रद्धालुओं को भी नदी से दूर रहने की समझाइश दे रहे हैं। ग्वारीघाट में जलस्तर बढ़ने के बाद मुस्तैद हुए होमगार्ड के जवान मोटर बोट से गश्त करके श्रद्धालुओं को नर्मदा दर्शन दूर से ही करने और नदी में नहीं नहाने की समझाइश दे रहे हैं, ताकि कोई हादसा ना हो सके। नौ गेट खुलेंगे भाई, नाव बांधो अपनी, ये बच्चे को ऊपर करो वहां से। वहीं नर्मदा नदी के उफान पर आने के बाद नौकाओं का भी संचालन बंद हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जलस्तर बढ़े हुए हैं, पूरे जो भी नाव है यहाँ पे पूरे प्रतिबंधित कर दिए हम लोग ने। ये पानी जो है 2:30 बजे से अभी बढ़ना चालू हुए है तेजी से। रात तक जो था वो 3 गेट खुले हुए थे। अब कितने गेट खुले गए? अभी 9 गेट करीब खुले हैं। हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, और उनकी रिहाई की मांग की गई है।
तेलंगाना में हो रहे मुनव्वर फारूकी के शो का विरोध करने वाले हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में लामबंद हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपकर टी राजा सिंह की गिरफ्तारी को अनुचित बताया है और उनकी रिहाई की मांग की है। नाजायज रूप से गिरफ्तार किया गया बगैर किसी दोष के, उनका कोई भी दोष नहीं है। गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और उनको पहले कोर्ट ने तुरंत उनको जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद दोबारा फिर अचानक फिर से गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया। ये सरासर नाइंसाफी है, ये हिंदू समाज देश का कतई सहन नहीं करेगा। आयुध निर्माणी खमरिया के F1 में टर्नओवर प्रेस मशीन में काम कर रहे एक कर्मचारी की उंगली मशीन में फंसकर कट गई। इस हादसे के बाद घायल हुए कर्मचारी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आयुध निर्माणी खमरिया की F1 की बिल्डिंग नंबर 964 में कार्यरत कर्मचारी उपेंद्र विश्वकर्मा की टर्नओवर प्रेस मशीन में कार्य करते वक्त उंगली मशीन में फंस गई और लगभग पंजे से अलग हो गई। इस घटना की खबर लगते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गया और आनन फानन में घायल कर्मचारी को पहले OF के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर डॉक्टर्स उसकी उंगली को जोड़ने की कवायद करते रहे। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा करने के मामले में गिरफ्तार हुए सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अश्विनी पाठक और उनकी पत्नी दुहिता पाठक को लाडगंज पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश किया और अदालत से उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। राइट टाउन स्थित सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में हुए आयुष्मान कार्ड घोटाले में आरोपी बनाए गए डॉक्टर अश्विनी पाठक और उनकी पत्नी डॉक्टर दहिता पाठक को लालगंज पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में पेश किया। कल इवनिंग में थाना लालगंज में 420, 419, 467, 68, 474 और के तहत थाना लालगंज में जो संचालक हैं और संचालक की पत्नी हैं, दोनों की अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। सर, जांच में क्या पाया था? अभी जैसे कि जांच हमको स्वास्थ्य विभाग से मिली है, उसमें कुछ ऐसा पाया गया था कि वहाँ पे कुछ संदेहास्पद तरीके से कुछ मरीज जो है, जो होटल वेगा है जो कि उनके अस्पताल से, जो सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल से लगा हुआ है, वहाँ पे अनाधिकृत रूप से उनको रखा हुआ था। अनाधिकृत का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रथम दृष्टया ऐसा था कि वो आयुष्मान कार्डधारी जरूर थे, लेकिन उनको बीमारी नहीं थी जिसका कि उनका इलाज कराया जा रहा था और जिसका उनकी बिलिंग हो रही थी। तो कुल मिलाकर के एक फर्जीवाड़ा जैसा उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया है और जैसे कि मैंने बताया, दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सर, ये भी कहा जा रहा था कि कुछ डॉक्टर है जो शहर के, वो वहाँ जाते नहीं थे लेकिन उनके नाम पर भी इलाज किया गया था। अब वो ये जाँच का विषय है, अभी हम खुद भी जाँच करेंगे, स्वास्थ्य विभाग भी मेरे मतानुसार लगभग उनकी इंक्वायरी चल भी रही है और अगर तो उसमें ये चीज़ बिंदु अगर आएगा तो फिर विधिवत कार्रवाई होगी। जी सर, कहा जा रहा था कि जब आप लोगों ने अरेस्टिंग की है उसके पहले जो है वो तैयारी थी शहर से बाहर जाने की? अब चूंकि हमने पकड़ लिया, अरेस्ट हो गए, तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भाग जाते या क्या करते, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दंपति से पूछताछ के लिए न्यायालय ने पुलिस को एक दिन की रिमांड सौंपी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं इस मामले में सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट एवं अकाउंट का काम देखने वाले स्टार सिटी निवासी कमलेश्वर महतो को भी लालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।